खुशी। खुशी क्या है? खुशी एक ऐसा शब्द है जिसे सोचते ही मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आने लग जाती है। जब जीवन में खुशी आती है तो सब काम में मन लगता है। लाइफ में कोई काम करना है तो खुशी के बगैर नहीं होती, और काम तो करना ही है, चाहे खुश होके करो या दुखी होके करो। तो क्यों ना हम खुश होके करें। मैं हूँ स्मिता एवी और आप देख रहे हैं स्मित पोस्ट। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि गम को खुशी में कैसे बदला जा सकता है। जी हाँ, गम को खुशी में कैसे बदला जा सकता है। कुछ लोग काम में इतना उलझ जाते हैं कि काम करते करते उनको ये महसूस होने लग जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का भार उन्हीं के ऊपर है और जिंदगी जीने का मजा खो बैठते हैं। यही नहीं, हर वक्त उदास और परेशान रहते हैं और उनकी खुशी कहाँ गई आप अंदाजा लगा ही सकते हो। कुछ लोग एग्जाम्स या इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देने के कारण या फेल होने के कारण अपनी खुशी खो बैठते हैं। कुछ लोग अनसैटिस्फाइड एनवायरनमेंट यानी असंतुष्ट वातावरण में रहने के कारण नाखुश रहते हैं, चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्क प्लेस हो या फैमिली ही हो। ये सब कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण इंसान अपने आप को नाखुश के जंजीर में बांध के रखता है। पर यकीन कीजिए, आप वो नहीं है जिनको अपने जीवन गम के सागर में डुबो देना है, पर आप वो हीरे हैं जिनको खुशी से चमकते रहना है। कुछ रेमेडीज या उपाय बताने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमें उदासी या खुशी का अभाव क्यों महसूस होता है। यह महसूस होता है डोपामाइन लेवल कम होने के कारण। और ये डोपामाइन क्या है? डोपामाइन वो केमिकल है जो हमारे तांत्रिका कोशिकाएं या नर्व सेल्स रिलीज करते हैं, जिससे हम मोटिवेट रहते हैं। जब हम उदास या दुखी होते हैं तो डोपामाइन लेवल कम हो जाता है। तो क्या किया जाए? एग्जैक्टली, डोपामाइन लेवल को बढ़ा दिया जाए। लेकिन वो कैसे होगा? इसका जिक्र मैंने अपने फर्स्ट वीडियो स्ट्रेस रिलीफ टिप्स में बताया है, फिर भी कुछ तुरंत उपाय है जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। गेम खेलना। जो गेम के शौकीन है वो गेम खेल सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, मोबाइल फोन का हो या कंप्यूटर सिस्टम का। अगला है म्यूजिक। म्यूजिक सुन लीजिए जो कि आपके मन पसंद हो, ताकि आपका मूड रिस्टोर हो जाए। कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स देख लीजिए जो कि आपके मन को बहुत खुशी देता हो, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स, सेलिब्रिटीज, सीनरीज आदि की। टीवी देखना। जो टीवी के शौकीन है वो अच्छा मूवीज, कॉमेडी शोज आदि देख सकते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो बच्चों के बहुत शौकीन होते हैं, तो ऐसे मौके पे जब आप उदास हैं, बच्चों को देख लीजिए, उनको खेलते देखिए, उनकी मासूम चेहरे को देखिए, आपका दुख कब भाग जाएगा खुद ही पता नहीं चलेगा। लेडीज के लिए एक अच्छा टिप है, जेंट्स परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप भी वो कर सकते हैं। शॉपिंग में निकल पड़िए। अभी आप सोच रहे होंगे लॉकडाउन है क्या किया जाए, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नायका सब कब काम आएगा। अभी आपको एक बोनस टिप देती हूँ। जब आपको काफी रोना आ रहा है, आप काफी उदास हैं, परेशान हैं, अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए? आप टॉफी, चॉकलेट, मिठाई, इनमें से कुछ भी खा लीजिए, ताकि आपकी जो उदासी है वो निकल जाए और खुशी वापस लौट जाए। ये सब टिप्स मैं जो बता रही हूँ कभी करना भूलिएगा नहीं, एक बार तो आजमा के देख ही लेना। वैसे कभी कभी रोना अच्छा भी होता है, आंखों को वो साफ कर देता है। आपने चार्ली चैपलिन के वो कोट्स सुने ही होंगे, I always like walking in rain because people cannot see me crying. मुझे बारिश में चलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस समय लोग मुझे रोते हुए नहीं देख सकते। जाने माने कॉमेडियन
जो दुनिया को हंसाते थे वो भी रोते थे, दुख का अनुभव करते थे। इंसान चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा, सब दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन हमारा विजय तब है जब हमें उस सिचुएशन को हैंडल करने की कला आती हो। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। मेरी आपसे यही कामना है कि आप सब खुश रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी खुश रहें।